दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती निकला है आपका पटना बिहार से, तो इसके बारे में मैं जो शॉर्ट में बता देता हूं आपको। ये जो निकला है दोस्तों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट निकला है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में बन रखी जो बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड उसका है। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 902 पोस्ट है और यहाँ पे आपका ऑनलाइन में ही आपका एप्लीकेशन सब लिया जाएगा, जिसका लास्ट डेट है आपका 31/1/2019 तक आपको इसको फिलअप करना है। 902 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें जो बिहार सरकार का जो हिसाब से जो पे स्केल है दोस्तों 5,200 से 20,200 इसका पे स्केल है और ग्रेड पे जो यहाँ पे बोला है 2,000 रुपीज़ का है। तो सैलरी स्ट्रक्चर यही है, सैलरी स्ट्रक्चर जो है दोस्तों देखेंगे तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पे जो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन आपका जो है वो सब बता दिया है, कब आपका कहाँ से पढ़े के होंगे, क्या है, कौन कौन सा जगह पे खाली है। तो आप एक बार इसका जो मैं इसका जितना भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ पर पहले एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सब बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पे 902 पोस्ट हैं, यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 451 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 145, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162, पिछड़ा वर्ग के लिए 108, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 27 पोस्ट है। टोटल जो 902 यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जो भी क्वालिफिकेशन एज सब मांगा है ये आपका 1 जनवरी 2019 तक आपका पास हो जाना चाहिए, ठीक है। जनवरी 1, 2019 तक आपका जितना भी एज है क्वालिफिकेशन है उस अंदर में होना चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि महिलाओं के लिए जो प्रावधान है 3% वो जो बिहार का गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे भी दिया जाएगा। और दोस्तों देखते हैं इसका जो यहाँ पे दे दिया है दिव्यांग के लिए क्या है और आपका किसके लिए मतलब कितना परसेंटेज दिव्यांग का आपका होना चाहिए ये सब दे दिया है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपका अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला है कि आपका बनरखी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शिक्षागत योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्षी होगी, मतलब आपका इंटरमीडिएट कम्प्लीट हो गया होगा। मतलब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आप 10+2 जो प्लस टू बोलते हैं आप पास किए होंगे तो ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जनवरी 1 तक आप 2019 जनवरी 1 तक आपका प्लस टू कम्प्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है प्लस टू है, ठीक है। और यहाँ पे जो एज का बारे में देखते हैं दोस्तों, एज के बारे में क्या बोला है, जो सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 23 साल, ठीक है सामान्य। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 25, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 से 28, ठीक है। और बिहार सरकार में कोई अगर अभी काम कर रहा है जो चल रहा है तो उसको 5 साल का रिलेक्शन दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति में अगर आ रहे हैं वहाँ पे आपका आ जाएगा 10 साल का रिलेक्शन। तो जो जितना रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से उस हिसाब से भी यहाँ पे आपका है। इसके अलावा दोस्तों इसको अप्लाई करने से पहले और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा, वो है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस। तो जो न्यूनतम ऊंचाई है, जैसे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है। तो न्यूनतम ऊंचाई जो है सामान्य के लिए 165 और रिजर्व के लिए 160 और जो सीना है सामान्य के लिए 81 और अन्य के लिए 79। जो सीना का न्यूनतम फुलाभ है दोनों को 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो आपका फिजिकल जो यहाँ पे टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से महिलाओं के लिए भी अलग है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। 160 सेंटीमीटर है आपका ऊंचाई का जो जनरल में और 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन का पहले होगा आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि आपका ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद आपका जो बाकी सब है फिजिकल टेस्ट ये सब लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या क्या OMR शीट में होगा लिखित परीक्षा, और जो 10th क्लास तक जो आपका सिलेबस रहता है उसी में आपका
जो सब आएगा परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद आपका चिकित्सीय जाँच होगा, उसके बाद ही आपका फाइनली जो सिलेक्शन होगा। और आवेदन करने के लिए इसका जो वेबसाइट है www.cspc.bih.nic.in में जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ और एक तो है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको फीस कितना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपया, तो जनरल ओबीसी ये सब कैंडिडेट के लिए आपको 450 रुपये का फीस लगेगा। बाकी जो है रिजर्व में उनको आपको 112 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो फीस भी पेमेंट करना है, यहाँ पे बोला है आपको ऑनलाइन में करना है, नेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में आपको फीस पेमेंट करना है। तो जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फीस पेमेंट का भी, तो आप जनरल कैटेगरी में है 450 रुपया, अदर कैटेगरी में है तो 112 रुपया आपको लगेगा। तो इसका जितना भी लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके एक बार चेक करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप उसको समझने के बाद इसको आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से, और इसका लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, आपको भी इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।